क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, ए बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड डिस्क्राइब 75 मीटर इन द 6th सेकेंड एंड 115 मीटर इन द 11th सेकेंड सो दैट इट मूव्स 155 मीटर ड्यूरिंग द 16th सेकेंड। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो हम लोग जानते हैं SNth डिस्टेंस कवर्ड का फॉर्मूला, जिसमें बोलते हैं u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन होता है SNth का फॉर्मूला। इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर प्रॉब्लम करना हमको, तो SNth जो हमारा है S6th सेकेंड में हमको क्वेश्चन में दे रखा है, S6th सेकेंड में 75 मीटर जाता है। तो पहले लिख लेते हैं u प्लस ए बाई टू, तो n के जगह पर हमको कितना लेना पड़ेगा 6, तो 2 6 माइनस वन, और ये कितना चला था 75 मीटर। u हमको पता नहीं है और एक्सीलरेशन भी हमको पता नहीं है, तो ये हो जाएगा 12 माइनस वन, तो 152u हो जाएगा और ये 11 ए हो जाएगा। अच्छा से कैलकुलेशन इसको करेंगे तो आपको आ जाएगा इतना। तो ये हो गया पहला कंडीशन से एक इक्वेशन बना लिया। उसके बाद दूसरा कंडीशन में है हमारे पास 115 मीटर 11 सेकंड में जाता है, ठीक है। तो इसी दो इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा हमको। तो एस 11th हमको क्वेश्चन में उसका वैल्यू दे रखा, तो इसका पहले फॉर्मूला लिखेंगे। इनिशियल वेलोसिटी तो वही रहेगा इसके लिए भी, ये वाई टू, और एन के जगह पर क्या ले लेंगे 11 माइनस वन। तो एस 11th जो है इस क्वेश्चन में वो दे रखा है 115 दे रखा है 115, तो ये हो जाएगा 2u प्लस a इंटू 22 माइनस 121 डिवाइडेड बाई 2, इसको लिखेंगे 230 इज इक्वल टू 20u प्लस 21 a। अब इसको हम सीधा कर सकते हैं, इतना का वैल्यू 150 होता है, तो इतना यहाँ अगर लिखेंगे तो 11a, तो यहाँ पर 10a बच जाएगा, लेकिन इसका वैल्यू हमको कितना दे रखा 150, तो इधर 230 था ही, और इसका वैल्यू कितना लेंगे 150, और ये 10a है, तो ये हो जाएगा 80 10a। तो ये हो गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन, ठीक। अब जो हमको कितना सेकंड में मांगा है 16 सेकंड में शो करना है जो 155 मीटर चलता है, तो 16 सेकंड में का फॉर्मूला लगाते हैं, तो यू ए बाई टू इंटू 16, तो एन हमारा 16 हो जाएगा, तो 2n होता है, तो 2 इंटू 16 माइनस वन, u भी पता नहीं है अभी तक, a पता है फिर भी लिख लेते हैं a बाई टू, और यहाँ हो जाएगा 32 माइनस वन 31 हो गया, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2u प्लस 31 a बाई टू, ठीक। अब इसको यहाँ लिख लेते हैं, स्पेस नहीं है, तो हमारा जो S16 है उसको लिखेंगे 2u और प्लस 31a डिवाइडेड बाई 2 भी है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 20u डिवाइडेड बाय 2, तो 2u प्लस 11a कर लेते हैं,
यहाँ पर 20 ए होगा डिवाइडेड बाय ये 2 है, और इसका वैल्यू हम जानते हैं कितना था, 150 था। ठीक, यहाँ से ये लिखा हमने। ठीक, तो ये हो जाएगा 150 प्लस 20 ए डिवाइडेड बाय 2, तो ए 16th हो जाएगा 150 प्लस 20 ए, ए हमारा जो है वो निकला था कितना, 8 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 160 प्लस 150 3 10, तो ये हो जाएगा 155 meter। तो यही हमको शो करना था, इसको आप एक बार खुद भी कर लेंगे वीडियो के साथ साथ तो आपका हो जाएगा। ठीक है।